going to some of the villages that lies on the fringes of India-Pakistan international border in RS Pora, Suchetgarh and Arnia sectors of Jammu. पाकिस्तान उस तरफ है वहाँ से शेलिंग होती है वहाँ से शेलिंग आती है और पूरा रनिंग कवर कर लेते हैं अच्छा अच्छा और वैसे अगर देखा जाए कितना दूर है यहाँ से होगा ढाई तीन किलोमीटर होगा ज्यादा दूर है बिल्कुल Mrs. Seni is an 80-year-old woman who has lived with her family in Arnia sector all her life. But the shelling she had experienced last 2 years were new. एक आप ऐसी जगह पे रह रही हैं जिसका कुछ पता ही नहीं है कभी भी कुछ भी हो सकता है तो एक डर आपको कैसी फीलिंग है थोड़ा क्या करें फिर अब देर पक्का मना नहीं मतलब डर आप जेब करो सात आठ घर पे जीव हो तो उतने ही वो समा सकते हैं घर के बिना तो ये अर्निया में जो ये बॉम्ब शेलिंग हुई है ये पहले नहीं होती ना नहीं नहीं पहले तो ये मतलब अचानक से हमारे सीआईडी दी है किसी ने क्या बता के जे हमारा गांव बड़ा ना सबसे बाजार है हर चीज यहाँ से हमें शहर की जरूरत नहीं पड़ती हर चीज यहाँ से मिलती है One of her daughter-in-law rightly points out how the change of government at the center and at Jammu and Kashmir has impacted them at the border. सोचना बड़ा मुश्किल है बच्चे हैं वो भी बोलते हैं कि मम्मा इधर क्यों चलो कहीं और कहाँ जाए इतना खर्चा करके अब इधर मकान है उधर मकान है तो खर्चा कहीं भी आप जाओ आप कहीं भी पढ़ नहीं सकते घर का माहौल घर का ही होता है एग्जाम से कॉलेज में कुछ पढ़ा भी नहीं जाता था कहीं आप जाओ उनके भी बच्चे होते हैं आगे तो बहुत मुश्किल होता है आप कहीं भी जाते पढ़ नहीं पाते आपके साथ ध्यान घर पर ही होता है कि पता नहीं घर वाले कैसे होंगे They say that the mortar had landed up right at their door. They were so scared that they stayed in for 2 days. The damages are visible not only in their house but in the rest of the neighborhood as well. The bunkers that were built for the protection of the people has remained to be of no use. Far from their homes in the villages, the bunkers made life worse than staying inside their homes. The residents show us how close the border actually is from where they live. They hesitate to go past this turn as they would be in the direct line of fire of Pakistani troops. And things can go wrong at any time. आईबी में इतनी डिस्टरबेंस नहीं होती लेकिन 2014 से लगातार जो इसी एक महीना दो महीने के बाद इतनी जब ये शेलिंग होती है दो दो चार चार हफ्ता तक ये लगातार चलती रहती है तो इतनी परेशानी है सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए अर्निया सेक्टर में पहले तो कभी भी फायरिंग नहीं होती थी अभी अभी पिछले दो चार सालों से शुरू हुई हाँ ये 2014 से लगा Living in a conflict area is never easy. Every second can turn out to be unpredictable for the inhabitants of borderlands. The village has been damaged so badly because of the mortar shelling and also because of the rising tensions between the two nations, India and Pakistan.